हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमटीएस 2019 में दिल्ली का क्या कटऑफ जा सकता है वैकेंसी बढ़ने के बाद। पहले जो वैकेंसीज थी दिल्ली की वो 1244 थी, और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी 9000 प्लस हो चुकी है अभी, और इंडिविजुअली दिल्ली की बात करें तो वैकेंसी बढ़ के 2427 हो गई है। ठीक है, यानी कि दोगुनी जो वैकेंसी है वो बढ़ी है, 1200 प्लस सीटें जो हैं दिल्ली में बढ़ी है इंडिविजुअली। तो इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या जो कट ऑफ है वो जा सकता है दिल्ली का। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, उसके बाद SSC बैंकिंग, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस पे सिर्फ आपको अनअकैडमी पे मिलेगा, और यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अलग अलग एडुकेटर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा, और इंडियाज़ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आज ही प्लस कोर्स यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अनअकैडमी से, बेस्ट प्राइस पे आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और जो एडुकेटर्स हैं यहाँ के टॉप, इंडियाज़ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सब्सक्रिप्शन लेते समय, प्लस कोर्स लेते समय आपको एक डिस्काउंट कोड जो है, रेफरल कोड जिसको आप बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है CPE10। ठीक है, CPE10 आपको अप्लाई करता है, अप्लाई करने के साथ साथ ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले DV की कट ऑफ हम लोग देखेंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ देखेंगे, और उसके बाद जो है 18 से 25 एज ग्रुप के बीच में प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ गया है, और उसके बाद DV और फाइनल के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को देखते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसा कि बीच में UFM भी आ गया कि सभी लोग जो MTS के छात्र हैं या फिर CGL के हैं, वो इसी सोच में कि अगर MTS में या फिर CGL में जो है अप्लाई कर दिया गया UFM को, जैसे मिसयूज़ किया गया है, तो क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि कमेटी बैठा दी गई है। ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट जून के एंड तक आ सकती है, तो ऐसा मे बी ना हो तो सबके लिए अच्छा है। तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और रिज़ल्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि CGL मेंस 4 महीने बाद है। ठीक है, और इसके अलावा अगस्त में आपका CHSL है, जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स बच गए थे CHSL के, वो भी अगस्त में होने वाला है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि अच्छे से तैयारी करेंगे, 4 महीने अभी बाकी हैं। ठीक है, आपको एकदम बिल्कुल मेंस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, एकदम हाई लेवल की तैयारी करनी है, और उसके लिए जो है आपको बेस्ट प्राइस पे टॉप एडुकेटर्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे, और इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेंगे, इसके बाद क्लास रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विजर्स, क्लास PDF मिलेंगे, डाउट क्लास भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका अभिनय शर्मा हो गए, पवन राव सर हो गए, मोहित गोयल सर हो गए, आफरीन मैम हो गई। यानी कि अगर मान लीजिए आप SSC के लिए, ठीक है, मान लीजिए अगर आप SSC के लिए सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं, प्लस कोर्स खरीद रहे हैं, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जिस भी एडुकेटर से चाहें आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पवन राव से भी पढ़ सकते हैं, पवन राव सर से, या फिर अभिनय सर से भी पढ़ सकते हैं, मोहित गोयल सर से भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा साहिल सर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेस्ट है अनअकैडमी पे। तो आज ही खरीदिए और अपनी तैयारी को एक लेवल पे लेकर जाइए। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि रेफरल कोड जो है, ठीक है, रेफरल कोड आपको डालना है CPE10। ये डालते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 24 मंथ्स के लिए जो ये कोर्सेज़ हैं वही खरीदिए। ठीक है, क्योंकि 2 साल और 1 साल, यानी कि 2 साल और 1 साल के जो कोर्सेज है उसके अंतर जो प्राइस का अंतर है वो 1000 होगा। तो मिनिमम जो तैयारी करने में लगभग 6 महीना से ज़्यादा लग ही जाते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा, यही रिकमेंड करूँगा कि आप 2 साल वाला जो कोर्स है उसको खरीदिए। ठीक है, और जो कूपन कोड है, माफ़ कीजिएगा, जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलिएगा, CPE10। कॉपी में नोट कर लीजिए, CPE10, ये रेफरल कोड जो है आपको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ना ही SSC, इसके अलावा NEET, IIT
और भी सारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं बैंकिंग, जिसके लिए आप यहाँ पे प्लस कोर्स खरीद सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। तो अभी जाइए और अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2016-17 में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी तो क्या गई थी। तो मैं आपको बता दूं, 2016-17 में जो एग्ज़ाम होता था एमटीएस का, वो 150 मार्क्स का होता था, ठीक है, 150 मार्क्स का होता था। अगर हम लोग बात करें एससी की तो 100 गई थी कट ऑफ, वहीं अगर हम लोग बात करें एसटी की तो 87 गई थी, 87। ओबीसी की बात करें तो 101, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 49 गई थी। एक्स सर्विसमैन से यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि एक्स सर्विसमैन की जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें और जो रिज़ल्ट आने के टाइम जो कट ऑफ जाती है उसमें लगभग 20 सबसे ज़्यादा अंतर आपको एक्स सर्विसमैन में ही देखने को मिलेगा फाइनल और डीवी के लिए, ठीक है। ओएच की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 93 गई थी कट ऑफ, एचएच के लिए 49 गई थी, 49, वीएच के लिए गई थी 76, ठीक है। और उसके बाद जनरल के लिए बात करें तो 110 कट ऑफ गई थी, ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली के लिए, ठीक है, इंडिविजुअली दिल्ली के लिए क्या कट ऑफ गई थी, तो डीवी के लिए जो कट ऑफ है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जितनी गई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एनआर रीजन में दिल्ली की जो वैकेंसी कट ऑफ गई थी एससी के लिए वो थी 123, ठीक है। एसटी के लिए जो कट ऑफ गई थी डीवी के लिए वो थी 115, एक्स सर्विसमैन के लिए 52, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 52 गई थी। इसके अलावा ओएच के लिए जो गई थी कट ऑफ डीवी के लिए वो थी 117, एचएच के लिए थी 88 और ओबीसी के लिए थी 123 और वीएच के लिए थी 107 और जनरल के लिए थी 126, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें हम लोग कि क्या चेंजेस थे, कितना अंतर था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है दिल्ली में एससी की कट ऑफ गई थी 126, यहाँ पे थी डीवी फाइनल सिलेक्शन के लिए गई थी 126 और यहाँ पे डीवी के लिए 123, यानी कि 3 मार्क्स का यहाँ पे फ़र्क है एससी में। एसटी की बात करें तो 115 गई थी डीवी के लिए और 118 यहाँ पे भी 3 मार्क्स का। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 से जो 5 मार्क्स है यही बड़े हैं कट ऑफ में डीवी और, ठीक है, डीवी और फाइनल सिलेक्शन के बीच में 3 से 5 मार्क्स का जो अंतर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक सर्विसमैन को छोड़कर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए, एक सर्विसमैन में यहाँ पे 52 कट ऑफ गई थी डीवी के लिए और एक सर्विसमैन में फाइनल कट ऑफ गई थी 77। तो आप मान के चलिए देखिए यहाँ पर कितने नंबर बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ते हैं वो है आपका एक सर्विसमैन का, ठीक है, एक सर्विसमैन में प्रीलिम्स और आपका जो फाइनल कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है, यानी कि 20 से 25 मार्क्स का आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओएच की, तो डीवी के लिए 117 गई थी और फाइनल के लिए 123 गई थी, एचएच की बात करें तो 88 गई थी और फाइनल सिलेक्शन के लिए 99 गई थी, ओबीसी की बात करें तो 123 गई थी डीवी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए 127 गई थी, वीएच की बात करें तो 107 गई थी डीवी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए 115 गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें जनरल के लिए तो 126 गई थी और डीवी के लिए 126 गई थी और यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए 129 गई थी। तो जनरल में भी आप देख सकते हैं 3 का ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा एक्स सर्विसमैन में, 20 प्लस मार्क्स हमेशा बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, वो है दिल्ली का एसएससी एमटीएस का 2019 का प्रीलिम्स का कट ऑफ, ठीक है, दिल्ली का इंडिविजुअली बात हो रहा है और 18 से 25 एज ग्रुप पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 75.03 गई है, वहीं पे एससी की बात करें तो 74.83 गई है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से दिखे, ठीक है। और एससी की बात करें तो 74 गई है, एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 65 गई है, 65.51। उसके बाद ईएसएम की बात करें तो 20 गई है। ईएसएम में यहाँ पे आपको भी मैंने जैसे पहले ही बोल दिया, यहाँ पे अगर 20 गई हैं तो वैकेंसी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 20 अगर प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है तो यहाँ आपको 30 प्लस जो मार्क्स हैं आपको फाइनल के लिए बढ़ने वाले हैं, यानी कि अंतर जो होने वाला है आपका प्रीलिम्स और फाइनल कट ऑफ में एक्स सर्विसमैन के लिए वो 30 का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ईएसएम के बाद ओएच की, तो ओएच के लिए जो
प्रीलिम्स की कटअप गई है वो आप देख सकते हैं, 60.46 एचएच की गई है, 32.11, और ओबीसी की गई है 70.86, और इसके बाद जो है वीएच की गई है 57.53, और जनरल की गई है 75.57। ठीक है, तो ये गई है प्रीलिम्स की कटऑफ एसएससी एमटीएस के लिए 18 से 25 एज ग्रुप में। तो 18 से 25 एज ग्रुप में अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और दिल्ली में इंडिविजुअली जैसे मैंने पहले ही बोला वीडियो में कि दिल्ली में वैकेंसी बढ़ के 2427 हो चुकी हैं, यानी कि दोगुनी हो चुकी हैं वैकेंसी, पहले जो जितनी सीटें थी उससे दोगुनी हो गई हैं। तो इसके बाद जो है कट ऑफ पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो तो वेरी करेगा ही करेगा, आपको भी पता है कि सीटें बढ़ती हैं तो जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ थोड़ा सा होता ही है, लेकिन ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं। यहाँ पे 1.5 से लेके 2 मार्क्स का जो कट ऑफ है पहले के हिसाब से, ठीक है, पहले जो टेंटेटिव वैकेंसी निकाली गई थी उस हिसाब से यहाँ पे 1.5 से 2 मार्क्स का जो अंतर है वहाँ पे आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा। इसको अगर मैं रेंज दे दूँ, ठीक है, कि किस रेंज पे आपको डीवी के लिए कॉल किया जा सकता है, डीवी के लिए बुलाया जा सकता है, तो सब में आप +3 मान के चलिए, ठीक है, +3 अगर आप मान के चलते हैं डीवी के लिए तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपके डीवी के लिए। ठीक है, +3 से लेके 5, मैक्सिमम 5 आप मान के चलिए, मैक्सिमम अगर आप 5 मान के चल रहे हैं, इसमें ऐड करके चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे 75 है ईडब्ल्यूएस के लिए, 75 है तो यहाँ पे 5, यानी कि लगभग आपके पास 80 मार्क्स होने चाहिए डीवी के लिए। ठीक है, डीवी के लिए ओनली। अगर आप फाइनल सिलेक्शन की बात करें, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 नहीं लगभग 8 नंबर आपको यहाँ पे बढ़ाने होंगे हर एक कैटेगरी में। ठीक है, अगर हम लोग जनरल को बेस मान के चलें, क्योंकि जनरल का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, तो जनरल में अगर यहाँ पे 75 है, ठीक है, 75 है, तो अगर हम लोग इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 83। ठीक है, यानी कि 83 या 84 यही जो है फाइनल कट ऑफ जा सकता है आपका दिल्ली के लिए। ये मैंने बताया सिर्फ जनरल को लेकर, क्योंकि जनरल का कट ऑफ सबसे हाई जाता है। आप अपने कैटेगरी को रेंज में रख के देख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो भी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी कैटेगरी है आप इसमें +5 करके देख लीजिएगा कि आप डीवी के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद आप अगर आप 8 ऐड कीजिएगा, 8 ऐड करने के बाद देखिए कि क्या रेंज बन रहा है आपका, क्या मार्क्स हो रहे हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आप खुद भी जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैंडिडेट अवेलेबल लिखा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के आगे मैंने यहाँ पे 1755 लिखा है, यानी कि 1755 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मार्क्स 75.3 या उससे कम है। ठीक है, तो आपको कैसे पता करना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये PDF होगी, ठीक है, जिसमें स्टेट वाइज सारी कट ऑफ दी गई हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं ये 18 से 25 एज ग्रुप वालों की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, 18 से 27 वालों के लिए अलग वीडियो आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सारे स्टेट में जिस स्टेट से मान लीजिए कि आपका यहाँ पे EWS कैटेगरी है, ठीक है, तो EWS की कट ऑफ गई है 75, अगर 75 आपका नंबर है या उससे ज़्यादा है और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो आपकी कैटेगरी के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका 75 या उससे कम मार्क्स है, उसके अलावा कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं अपनी कैटेगरी के अंदर के मार्क्स वालों को आपको ऐड करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको मान लीजिए आपका नंबर 75 है तो आपको अपनी कैटेगरीज़ के सारे स्टेट वालों को ऐड करना है कैंडिडेट अवेलेबल। अगर मान लीजिए कि ओवरऑल एक सपोज़ मान के चलते हैं कि 1500 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 75 मार्क्स है आपकी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, सिर्फ आपकी कैटेगरी के अंदर, तो 1500 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 75 मार्क्स है और ओवरऑल जो सीटें हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी के लिए ऑल स्टेट में ओवरऑल जो सीट है वो मान लीजिए कि 1600 है, ठीक है,
तब आप समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है, ये आप मान के चल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप वैसे ट्राई भी कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको रेंज भी बता दिया कि किस रेंज में जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि आपको ये जो कट ऑफ दिखाई दे रही है उसमें आपको मिनिमम जो है 8 मार्क्स लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, भले ही वैकेंसी बड़ी हो, लेकिन अगर हम लोग बात करें जनरल की तो 83% से नीचे जो है वो कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात आप लोग मान के चलिए। 95,000 एस्पिरेंट हैं जो कि अपीयर हुए थे आपके डिस्क्रिप्टिव के पेपर में। ठीक है, ये आपको देख के चलना, और वैकेंसी जो है वो 9,000 प्लस है। ठीक है, तो 83% जो है वो जनरल के लिए सेफ स्कोर है, फाइनल सिलेक्शन के लिए। डीवी के लिए भी मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कि आप लोगों से डिस्कस करनी है। अब हम लोग अनअकैडमी का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब संभव हुआ है। और गाइज एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अनअकैडमी पे आप प्लस कोर्स जो ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको एक सब्सक्रिप्शन में सारे एडुकेटर्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC के अंदर साहिल सर हो गए, अभिनय सर हो गए, पवन राव सर हो गए। मैथ्स के अंदर हम लोग बात करें इंग्लिश, तो अलग अलग टॉप लेवल के एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं SSC के लिए, ठीक है, जो कि बेस्ट प्राइस पे सिर्फ अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी तैयारी जो है बहुत लेवल की होने वाली है अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आप iOS यूज़र हैं तो उसमें भी ऐप स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 24 मंथ, ठीक है, 24 मंथ वाला ही जो प्लान है, जो प्लस कोर्स है, उसको ही ख़रीदें। और CPE10 ये जो रेफरल कोड है आपको डालना है, इसको डालते ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी बेस्ट प्राइस पे, यहाँ पे सबसे कम प्राइस पे अनअकैडमी पे अवेलेबल है, ना सिर्फ SSC के लिए। ठीक है, ना सिर्फ SSC के लिए, अगर आप रेलवे के लिए भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आपका विकास पाठक सर हो गए, सत्यम सर हो गए, ठीक है, विमेश सर हो गए, दीपक कुमार सिंह सर हो गए, तो ये सारे जो टॉप के एडुकेटर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप रेलवे के लिए भी एक प्लस कोर्स ले रहे हैं तो आपको सारे ही टीचर मिल जाएंगे। अलग अलग एडुकेटर के लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा, और बहुत ही कम प्राइस पे यहाँ पर आपके लिए ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जाइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, और जो डिस्काउंट कोड है उसको नोट कर लीजिए, CPE10। ठीक है, CPE10 ये डिस्काउंट कोड है जिससे आप 10% डिस्काउंट प्लस कोर्सेज खरीदते समय अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डालना ही डालना है, नोट कर लीजिए CPE10। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो हेल्पफुल लगाओ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी क्या राय है, क्या कट ऑफ जा सकती है आपके हिसाब से, और ये एनालिसिस कैसा था, ये फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।